किसान जथेबंदियों की जी मीटिंग हो चुकी है तो साढ़े नाल सिरसा साहब मौजूद ने गलबात करांगे। कई जिहड़े अहम फैसले अज लै गए हैं। सब तो पहला जिहड़ा फैसला लिया गया भी जी जथेबंदियों की मीटिंग कदों तक नहीं होगी सरकार दे नाल, जिन्ना चिर सरकार जिहड़ियां तिने मंगां ने खेती विरोधी कानून तिने रद्द, बिजली विरोधी संशोधन बिल जिहड़ा लिया रहे ने वह रद्द, तो जिहड़ा पराली दे संबंध बनिया कानून वह रद्द, तो MSP जिहड़ी पूरे भारत लागू की जाए जिन्हां चिर इस गल ते नहीं आउंदी, प्रपोजल तैयार करके नहीं भेजदी, उन्हां चिर कादी गलबात है। होर किहड़े अहम फैसले लए गए? होर तां इहदे विच इह आ कि इस नूं जिहड़ा जिहड़ा हैगा एजिटेशन है जिहड़ा इहनूं किस तरह किया जाए उत्ते लगातार जिहड़ियां मीटिंगां चलणगियां, मीटिंगां दा सिलसिला जिहड़ा वह चलता रहे। शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादे उहदे लई की प्रबंध कीते जाए? देखो तुहानू पता है कि अज वड्डे साहबजादों का शहीदी जोड़ मेला बड़ी वड्डी पद्धर ते मनाया गया, धूमधाम नाल मनाया गया, श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। गुरु तेग बहादुर पातशाह दा शहीदी जिहड़ा जोड़ मेला सी वह मनाया गया। इस बार्डर के उत्ते बैठे गुरु नानक पातशाह का आगमन पर मनाया वह मनाया। छोटे साहबजाद जोड़ मेला जो 27 तरीक न आ रहा वह भी इस तरह ही पूरी मतलब कि श्रद्धा भाव नाल मना जाऊ, क्योंकि ये जड़े जोड़ मेले ने यह पौधा महीना सिख कौम वास्ते बड़ा एक अहम है, तो असी इस जड़ा उन्होंने शहीदों को श्रद्धा के फुल भेट करके सानू एक शक्ति मिलती है, साढ़े हौसले बुलंद होंगे ने, तो इस करके असं बड़ी श्रद्धा भाव नाल मना रहे। एक पासे जिहड़े आपां शहीदां नूं सरताज मानदे हां, एक पासे आपां जिहड़ा उहनां दा जवाब आ उहनां दी भाषा च देना शुरू कर दिंदे हां, ते किते ना किते मेल जोल नहीं खांदी। देखो ये जिहड़ा तुहानूं पता कि जिहड़ा संघर्ष है ना, एक कल्ले सिख नहीं मिला रहे, कल्ले पंजाब दे लोक नहीं, इहदे विच वख-वख जिहड़े ने उह किसान संगठन ने, वख-वख धर्मां नाल जुड़े हुए लोक ने देश दे विच। असीं देखो हुण पंजाब जिहड़ा ये ठीक है कि पंजाब तो एजिटेशन चलिया तो अज पूरे भारत का बन गया, पूरे संसार का बन गया। ये कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ने जिहड़े फैसले होंदे ने वह कई बार वेख्या जाता है कि उत्थे मजबूरी हो जाती है कि आ फैसला जिहड़ा उत्थे जो सारे रखन तो उत्थे कई बार मनना। जिहड़े भांडे खड़काउण वाला, देखो जिहड़े भांडे खड़काउण वाली जिहड़ी गल सी उस दिन मैं मीटिंग विच नहीं सी, जिहड़ी ये गल सारी आ रही है उस दिन मैं मीटिंग विच नहीं सी, ते जो वो गल उन्होंने की आ असीं ये गल कीती भी सी कि भांडे खड़काउणा जिहड़ा ये योग नहीं कोई होवे। नाराजगी है लोगों के विच बहुत वड्डी नाराजगी इस गल दी भी साडी जिहड़ी कौम आ खंडे खड़काउण वाली अज भांडे खड़काऊगी। देखो मेरी एक बेनती सुन लो, जे बलदेव सिंह सरसा ते भी हुण तुसीं कोई इस तरह का साल करो, मैं तुहानूं एक बेनती की कि एक तो मैं उस दिन मीटिंग च नहीं सी, जे मैं मीटिंग च हुंदा तो मैं उस दिन इस गल का विरोध करना है, मैं कल भी यह गल रखी आ। हो सकता है कि आने वाले समय के कोई मीटिंग दे विच इस गल दे उत्ते जिहड़ा वो कोई तब्दीली लिया जाए, लेकिन मैं तुहानूं बेनती की आ कि यह जिहड़ा अंदोलन है ये कल्ले सिखां दा नहीं। नहीं ठीक है, वो सांझा अंदोलन है, सांझे फैसले लै जांदे आ। कल यूपी दे विचों किसान आउंदे सी, उह तशद्दुद दी वीडियो भी सामने आई आ, ते उहदे विच घेरिया भी गया, लोकां नूं रोकिया जा रहा उहदे बारे। देखो वह बहुत गलत हो रहा, सरकार जी होशे हथियारों आ गई है, ये बुखलाहट में इस तरह करती है। असी इतने जी कमेटी बना के पूरी इस चीज़ की पड़ताल जी करवा रहे हैं कि किस तरह होया कि नहीं, इतने जरा सारा अगला एक पत्रकारिता के नाल MP वालों जी बासलूकी मामला भी सामने आया उनके बारे कोई विचार चर्चा हुई है? बिल्कुल, जिहड़ा ये जिहड़ा पत्रकारां दे उत्ते जिहड़े इस तरह के हमले हो रहे हैं असीं उहदी पूरी निखेधी करदे हां, ते जो वो उत्थे एक मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा एक लड़की दे नाल इस तरह वो बदसलूकी करदा ते मैं चाहूँगा कि उन्हों बिना देरी तो हर उस टाइम तो उन्हों माफ़ी मंगनी चाहिए आ, क्योंकि जिहड़ी औरत है साडे सिद्धांत विच नहीं ते उस सिख सिद्धांत नूं बड़ी चंगी तरह जानदा है। इस तरह सी कि तुहानूं पता कि मैं बहुत लेट आया अज दी मीटिंग दे विच, ते मेरे लेट आउण करके ते फिर साडी किते ड्यूटी लाई गई ते मैनूं उधर जाना पै गया, इस करके मैं झूठ नहीं बोलना कि मैनूं इस गल दा नहीं पता, लेकिन मैं अपने वालों ये गल कहांगा कि सिक्खी सिद्धांत के मुताबिक छोटी धी बराबर दी भैण वड्डी मां है,
लड़की लड़की है तो अनु पता कि जड़ा पत्रकार बीबी दे नाल जिस तरह की तासी ते मैं उस लड़की नू हालांकि तो अनु पता ये भी पता है दो तरीक दी रात नू जदों लड़कियां जड़ियां सी वो किस टांगे चाहियां सी गलत विचार तरह लेके रात भी कुछ है जी है कुछ हुआ है रात भी कुछ है लेकिन उस लड़की के खिलाफ मैं केस दर्ज नहीं करा सिर्फ वो पुलिस नू सौंपिया सी कि इहदी पुछ पड़ताल करके इहदे परिवार नू भेजा जाए क्योंकि इकली लड़की जिहड़ी सी वो फिर रही सी सो असी लड़कियां दा भावें कुछ भी होवे उहदा जीवन की है की नहीं असी उस गल तो नहीं लैणा साडा सिधांत अंदोलन बचाउणा ते आपदा सिधांत अपने अंदोलन नू सही ढंग नाल चलाउणा ते अपने सिधांत ते चलना छोटी ती बराबर दी भैण वड्डी मां असी उस सबत ते चलना जो सानू गुरु साहिबां ने सानू उपदेश दित्ता जो सानू रस्ता दर्शाया असी उत्ते चलना सो मैं डिंपा जी नूं इह गल कहूंगा कि वह बिना देरी तो उस लड़की तो माफी मांग जी एसन बलदेव सिंह सिरसा जिन्होंने किसान जथेबंदी की अज्ज मीटिंग तो बाद साढ़े नाल गलबात की जिहड़ी डिंपा की गल की है कि जल्द बिना देरी तो वह माफ़ी मंगन तो इन होर भी जिहड़ियां बहुत वड्डियां अहम गल्लां होईयां ने साढ़े नाल होर भी किसान आगू ने गलबात करदे आ किसान जथेबंदियों की मीटिंग तो बाद साढ़े नाल गुरनाम सिंह जरूनी जो हरियाणा के किसान जथेबंदी के आगू ने साढ़े नाल मौजूद ने गुरनाम सिंह जी की होया मीटिंग के अज्ज अहम फैसला किहड़ा लिया गया जिहड़ा सरकार ने चिट्ठी लिखी सी ते उन्हां कहा सी भी सानू तुसी डिटेल च जवाब नहीं भेजिया वो डिटेल च जवाब अज उन्हां नू लिख के भेज रहे हैं तो वह चिट्ठी अद्धा फैसला होया भेजण दा भी चिट्ठी सरकार नू पूरी डिटेल पॉइंट दर पॉइंट लिख के वो भेज रहे हैं तो अगे उन्हां दी मर्जी है जी की उस ते फैसला लेंदे ने की गलबात करदे ने होर किहड़ा कोई अहम फैसला जिहड़ा है जिहड़ा संघर्ष नू तिखा करन लई जिहड़ा लिया गया नहीं वो अजे कोई फैसला नहीं होया उहदे बारे अगे मीटिंग करांगे एक दो दिन च मीटिंग करांगे ते वो अंदोलन किवें तेज किया जा सकता है इस ते अगली मीटिंग दे विच विचार होएगा जे इन्ना टाइम नहीं निकलेगा होर चर्चा दा विशा बनिया सी कि एक पासे पंजाब ते हरियाणा इकट्ठे हो जांदे ते एक पासे SYL दा मुद्दा छेड़ दित्ता देखो ये मैं दस्सिया कि भी जिहड़ी BJP है वह फुट पा के राज करदी है इहनां कोल मुद्दा ते कोई हुंदा नहीं हुण इहनां ने SYL दा मुद्दा चक्किया हरियाणा ने BJP ने पर मैं दसना चाहांगा स्पष्टीकरण देना चाहांगा इन्हां दी शरारतां दा इन्हां दी हैवानियत दा जदों वाजपेई दा राज सी हिंदुस्तान दे विच BJP दा राज सी तो उसे टाइम हरियाणा दे विच चौटाला ते BJP दा राज सी उसे टाइम पंजाब दे विच बादल ते BJP दा राज सी ते 2014 दे विच जदों हरियाणा दे विच BJP आई उस तो पहला सेंटर दे विच BJP आ चुकी सी ते पंजाब दे विच भी 2017 तक BJP हिस्सेदार रही है तो उन्होंने उस टाइम भी SYL का मुद्दा नहीं चक्या हूँ जदों लड़ाई जड़ी है वो MSP की आ गई जदों लड़ाई 3 बिलों की आ गई तो सारे असी इकट्ठे हो गए तो ये चाहते ने भी हरियाणा का किसान तो पंजाब का किसान आपस दे विच पट जान इकट्ठे हो के अंदोलन ना लड़न पर इन्हां दी चाल जिहड़ा वो लोग समझते हैं तो इन्हां दा पूरी तरह बहिष्कार हो रहा सारी जगह कल एक पत्रकारिता दे नाल बदसलूकी की गई है पंजाब दे MP वालों अज मीटिंग दे विच कोई उहदे बारे होई चर्चा नहीं पत्रकार बारे इस बारे तो कोई चर्चा नहीं हुई एक चीज़ बारे चर्चा हुई है कि भी जिहड़ा पंजाब दे कुछ आढ़तियां ते छापे मारे ने आयकर विभाग ने तो हरियाणा का भी कोई कम शुरू यह जो किया है तो उस बारे चर्चा हुई है भी जे BJP ने कुछ इस तरह का या किसी भी सरकार ने कुछ इस तरह का किया तो असं कड़ा एक्शन लेंगे भावें सानू आयकर विभाग के जोड़े दफ्तर घेरने पैण भावें जिते छापा मारन जाएंगे उत्थे घराब उन्होंने करना पे पर सख्त एक्शन लेंगे असं पंजाब ते हरियाणा सारे हुण इकट्ठे है जिन्ने भी हैं सूबे पंजाब ते हरियाणा बिल्कुल इकट्ठे है इन्हां दी किसी जिहड़ी शरारत का कोई असर नहीं होएगा तो इस लड़ाई जी 100% असी यूपी तो गल आउंदे आंदे कुछ घेरन की कोशिश की गई उन्हां वल्लों बिल्कुल बिल्कुल बड़ी असी उहदी निंदा करदे आ जिहड़ा यूपी सरकार कर रही है भाई साडा अधिकार है अपने देश की राजधानी दे विच जा के अपनी गल कहना तो सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका कि इन्हां दा अधिकार है इहदा मतलब है सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते इन्हां ने रस्ते नाके लाते रस्ते से उन्होंने किसानों दुरुक्ति की जिहड़े उत्तराखंड तो आ रहे जिहड़े यूपी तो आ रहे थे उन्होंने रस्ते च नहीं आने दिता ठंड के विचों बेचारे पे ने बाहर कम की उन्होंने की डंडा सुट्टी उन्होंने किया असी कड़े शब्दों निंदा करते हैं असी बिल्कुल सरकार नू ये चेतावनी भी देंदे हैं भी अगे वास्ते किसी किसान नाल कि इस तरह धक्का ना करे वो जिहड़े मोर्चे ते जाना चाहते ने उत्थे जाण देण उन्होंने जिहड़े संघर्ष दे हिस्सा बने शहीद होए उन्होंने किया यार देखो बड़े दुख की गल है कि
ये अंदोलन जिहड़ा बहुत कुर्बानियां ले चुके हैं। हुण तो पहला कई पंजाब दे विच जिहड़ा है अंदोलन ते बैठे परमात्मा नूं प्यारे हो गए। जिस दिन का इत्थे अंदोलन आया उदन दे भी 35-40 जिहड़े है वह शहीद हो गए। कोई एक्सीडेंट दे विच मारिया गया, कोई ठंड नाल मर गया, किसी नूं अटैक हो गया। तो जिहड़े बड़े संत सी बाबा राम सिंह जी वो जिहड़े ने ये लिख के सुसाइड कर गए, ये लिख के शहीद हो गए, अपना शरीर छड़ गए कि भी मेरे तो किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा, तो जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। तो कोई अपना मैडल वापस करके जिहड़ा है वह रोस जता रहा है, कोई अपनी नौकरी छड़ के रोस जता रहा है, तो मैं अपना शरीर छड़ के इसका जुल्म का विरोध करदा। उनके विच एक बीबी अमरजीत कौर सी उन्होंने वालों इल्जाम भी लाए गए सन कि इदा कुछ नहीं होया, इनका सुसाइड नहीं, जो सुनी हो आडियो। ये तो बेहूदे लोग ने, कोई की कोई बोलते नहीं कहा जा सकता। मतलब ये तो जड़ा है इन्नी वड्डी कुरबानी भी जड़ा दूसरे तरीके ना देखता है, वह कोई इलाज साढ़े को है नहीं, वो तो रब ही देखेगा उनते, असी वह की कर सकते। स्नेहा की है लोगों जे स्नेहा साडा ये है कि भी ये जड़ा अंदोलन है ये उदों तक चलेगा जद तक असी जितने जाते, भावें ये टाइम कि नहीं लग जाए। तो सारे जिहड़े भरा ने, सारे जिहड़े किसान ने, वो ना तो केसा तो डरन, ना रास्ते दे बैरीकेटा तो डरन, सारे बैरीकेट ना तोड़ के आओ। जिवें यूपी वाले रोके ने, तोड़ो इन्हां दे बैरीकेट डंडा, ये मारदे ने, ये मारन आपां हथ ना इन्हां ते चक्कीए, साडा कोई बंदा हथ ना चक्के। ये भावें देखो मैं तो ये सारे किसानों नूं कहांगा भी इन्हां नूं पिंडां च भी ना घुसण दिओ, इन्हां दा इन्ना बुरा हाल करो, भजाओ पिंड। साढ़े की लगते हैं जिहड़े सानू ही खा रहे हैं, जिहड़े कारपोरेट वास्ते काम कर रहे, साढ़े की लगते हैं। कोई इन्हों का प्रोग्राम ना करे, कोई इन्होंने ब्याह शादी भी ना बुलाए, कोई इन्हों का प्रोग्राम ना कराए, जिथे ही आते हैं उत्थे बहिष्कार करो इन्हों का। बस शहीदी दिहाड़े चल रहे, उन्हें किया जा रहा प्रोग्राम। देखो शहीदी दिहाड़ा तो जिहड़ा है वह जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे वो मानवता वास्ते शहीद होए जी, साडा सिर झुकदा उन्होंने अगे, तो वो तो सारा दे दिल च विशेष जगह है, तो उन्होंने सल्यूट करते हैं। पूरा जिहड़ा मानवता है वो मानवता वास्ते शहीद होए हैं, तो पूरा मानवता उन्होंने शहीद करे सलाम करेगी। बिल्कुल सन गुरनाम सिंह चडूनी जिन्होंने गलबात करदे दरना दस्या है कि SYL के मुद्दे को लैके जी BJP जी सरकार कांग्रेस ये सब सियासत जी खेड रहे हैं, क्योंकि पहला जो पंजाब दे विच ते हरियाणे के BJP की भाईवाल जी सांझ भी सी, उत्थे भी सरकार जी उन्होंने सहमति देना बनी सी, इतने BJP की सरकार से उतो यह मुद्दा नहीं चुकया जाता, तो हूँ जो जानबूझ के शरारत करके तार पीड़ो करना चाहते हैं। आप तो असी लगातार जी मीटिंगा तो लैके जो भी विचार चर्चा वो तुहाडे तक पेश की जा रही है, चाहे कई भी किसान आगू होवे उन्हां दे नाल जी गलबात उन्हां दे अगे जी तुहाडे सामने रखने की कोशिश की जाती है। राम सिंह चडूनी दे साहब नाल गल की SYL ते उन्होंने बहुत वधिया जिहड़ा वो जवाब भी दिता सी। जगजीत सिंह डल्लेवाल साडे नाल मौजूद ने, गलबात करदे हां। डल्लेवाल साहब, अज दी मीटिंग दे विच सब तो अहम किहड़ा फैसला लिया गया? देखो कोई बहुत बड़ा बहस वाला मुद्दा नहीं सी, अज सब तो वड्डी साडी विचारन वाली गल सी भी साडे कोल इक चिट्ठी आई सी सरकार वल्लों 5 पेजां दी प्रपोजल। वो जी चिट्ठी आई सी, देखो चिट्ठी साढ़े नाते आई है क्योंकि पंजाब का जी जथेबंदियों का उन्होंने को एड्रैस नाम नोट चा चुके ने लिस्ट, चिट्ठी सानू आ गई तो फिर साड़ी जिम्मेवारी बनती सी ना, असीं सारिआं नूं मतलब लैके बह के विचार करते, उहदे च विचार चर्चा होई, बोलो भाई चिट्ठी का की करना चाहिए, किस तरह का जाना चाहिए, सानू जाना चाहिए है या सानू जवाब किस तरह का देना चाहिए। साडा सारिआं दा फाइनल फैसला यह होया है कि जिस भी रूप दे विच चिट्ठी आई है उन्होंने हर गल नूं मतलब ये अपने चिट्ठी दे विच टारगेट करो, उहदे हर एक का जवाब ठोस बना के लिख के दिओ और ताकि सरकार दे मतलब भरम भुलेखे दूर कर दिए। ये चिट्ठी कल नूं अगर प्रेस के सामने भी जाती है तो प्रेस नूं भी पता लगे, घट्टो घट ज्ञान तो जाए कि किस जिहड़ा सरकार झूठ फैला रही है वो झूठ दे बराबर पैरल सच आए। एक होर सामने आई सी गल कि जगजीत सिंह डल्लेवाल उन्हां दी भाषा च उवें जवाब दिया करनगे जो भाषण करिया करनगे, जगजीत सिंह डल्लेवाल जिहड़े हाजिर ने इस चीज़ लई। देखो नहीं मैं ये नहीं है गल भी मैं भाषण उन्हां दी दा जवाब देवां, मैं तो इन्ने समर्थ नहीं हाँ, लेकिन ये जरूर है पिछले दिन दित्ती गया सी, लोगों ने पसंद भी किया। चलो गल ये भी झूठ है ना, सानू रड़किया भी इन्ना झूठ बोल रही है सरकार, साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी ने एडे उच्चे पाते। देखो मैं केवल मतलब स्टेट का प्रेजिडेंट हाँ, मैनू झूठ मारन तो इन्ना मतलब महसूस होंदा भी यार तेरी जिम्मेवारी की है, तू झूठ बोल गया तो लोग तेनू की मनणगे, विश्वास टुट जूगा। और देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले
फिर ए मन किया भी घट्टो घट लोगों दसीए क्योंकि उन्होंने इनू असी किया कि लोगों के इस अंदोलन टारगेट करके झूठ बोल रहे बथेरे बोले ने पहला असी उन्होंने झूठा कोई मतलब चैलेंज नहीं किया लेकिन अज साडे अंदोलन कमजोर करे कोई आदमी कोई साडा राजा और झूठ के आधार के उत्ते फिर असं झूठ बर्दाश्त नहीं करा झूठ का पर्दाफाश करना साड़ी मजबूरी बनी और किया है हरेक चीज़ का जवाब दिता जाऊगा जिहड़ा भांडे खड़काउण वाली कितने ना कितने लोगों चर्चा है यार भी पहला की सीगा कि भांडे खड़काउण ते उन्हां दी जिहड़ी आ बड़ा उछालिया गया सी मीडिया दे विच भी करोना ऐ नहीं पैदा हुंदा हुण जिहड़े भांडे खड़का के उन्हां दा जवाब दिता जाऊगा कितने ना कितने चर्चा चल रही है चीज़ की। हाँ देखो इहनूं असीं चुणिया भी इसे करके सी कि मोदी जी ने करोना भजाउण वास्ते नहीं उह तां मोदी जी ने एक लोकां दी आपदे नाल इह वोटिंग लोगों की सहमति महसूस करनी चाहते सी भी मैं पता लगे भी कि मेरे बनाया लोग मूर्ख बनते हैं और वह बनाने का यतन किया हम तुम दसो भी करोना कदे थालियां ना करोना भजते हैं कोई मतलब नहीं सी इतने असं ये दस रहे हैं कि प्रधान जी प्रधानमंत्री जी तुहाडे ही फॉर्मूले दे विच तुहानू ही जिस वेले तुसी लोगों नू संबोधित हो रहे होवोगे मन की बात सुना रहे होवोगे उस वेले लोग तुहानू जवाब देणगे जो मन की बात पर अपने आले नौजवानों से गुस्सा ज्यादा कितने ना हम भांडे भन बैठन उन्होंने तो प्यार चलते नहीं नहीं साढ़े नौजवानों के गुस्सा भावें है पर भांडे नहीं भन गए साढ़े भी नौजवान बड़े सियाने हो गए तुम अंदाजा कर ला रहे हो जरूर है नवा खून है मतलब गर्माहट तो आँदी है पर कदे भी यह जी गल नहीं हुई साढ़े नौजवानों वालों कि देखो कि अंदोलन कितों कितों किमें किमें लैके आए ने रस्तियां दे विच खाइयां पट्टियां सरकार ने वह भी भरियां नाके तोड़े बछाड़ा बछूड़ा भी झलिया और इन्हां दे वाटर कैनन दे मूँह जाई तोपां दे भी घुमाए साढ़े नौजवानों ने किन्ना कुछ करदे ने किन्ने किन्ने जोश च है उस वेले लेकिन जो इत्थे पहुँचे ने इत्थे पहुँच के पिछे हो के खड़ गए भी हुण तुसीं संभाल लो ये कि सियाणप नहीं उन्हां दी बहुत सियाणप है उस तो बाद होश तो कम बहुत सियाणप तो कम लिया साढ़े बच्चों ने और अगे भी लै रहे हैं यह भी नहीं गल है भी अगे लै नहीं रहे मैनू लगता भी जो असी बच्चों ना गल करते हैं तो कदे भी किसी बच्चे ने मतलब मैंने तो उस तरह मतलब जवाब नहीं दिता मेरे नाल तकरीबन सारे बच्चे जिन्हें भी मेरी मीटिंग होंगी है वो मेरे सहमत होकर चलते हैं। एक यूपी तो आ रहे किसानों की कल वीडियो जी रात वायरल हुई है उनके बारे विचार चर्चा हुई है हाँ वो असी पुरजोर शब्दों के निखेधी की है सरकार ने जो किया गलत किया है देखो गल की है सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे थे कि 5-7 जने गैप भी है अच्छा वो गायब हुए ने बंदे जो तो मौके की वीडियो पा रहे थे कहते साढ़े 5-7 मैंबर जो लापता ने इस टाइम सानू पता नहीं कितने चलो ये गल की है मैं दसदा सब तो पहला तो सरकार नू सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिता है कि लोगों नू शांतमई प्रोटेस्ट करन दा राइट है ऐसे फैसले च होने साढ़े वाले फैसले च क्या है सरकार ने अगर सरकार ने उस समय के दौरान वायलेंस की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वड्डी वायलेंस है ना सरकार नू सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मनना चाहिए सी लोगों इतने आन देना चाहिए सी वह नहीं मनिया अज सगो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए तुरंत एक्शन लवे मतलब यूपी सरकार से ताकि मतलब यूपी सरकार को पता लगे कि असी लोगों का धक्का किया है और गलत किया यूपी सरकार ने कल एक वीडियो वायरल होंगी है रात में कि एक पत्रकारता अपने जो विधायक बैठे जंत्र मंत्र तो उन्होंने जाते हैं उनके बारे विचार चर्चा हुई है नहीं मेरे को कोई वीडियो नहीं आई हजे तक मैंने विचार चर्चा कोई गल नहीं हुई जानकारी नहीं है जानकारी नहीं है मेरे कोई गल कल एक वीडियो वायरल हुई थी उनके एक पत्रकारता जाते पंजाब के सवाल जवाब के कितने ना कि उन्होंने बहस हो जाती है मैं थोड़ी डिटेल च दसदा तो उनके हाँ डिंपा जी जिहड़े विधायक है खडूर साहब तो उन्होंने जो आप च हरदीप सिंह डिंपा जी जो बहस होंगी तो कितने कितने उन्होंने माइक खोया जाता मतलब इदा दी हाई है हाँ। क्यों ये जी गल कोई जे पत्रकार सवाल करता तुसी मेरे तो सवाल करते हो थोड़ा राइट है सवाल करना उन्होंने सवालों का तंबल नाल जवाब देना चाहिए अगर जवाब नहीं तो पिछे हट जाओ पत्रकार ने तो हर एंगल तो वेखना है ना उन्होंने तो यह भी वेखना पिछे तुम की किया अगे तुम की कर रहे हो उन्हों की हर गल का जवाब देना चाहिए अजिहा करना मैं लगता चंगा नहीं मंदभागी गल है पत्रकार को एक एक तरह की पत्रकार देश की आवाज़ होंगे लोगों की आवाज़ होंगे ने उन्होंने आवाज़ में अपनी सत्ता के आधार के उत्ते दबा चंगी गल नहीं है संघर्ष को तिखा करने कुछ किया संघर्ष देखो तिखा करना मैं समझूंगा कि जिस ढंग से असं अंदोलन लड़ रहे हैं ना सानू बड़ी पद्धर के उत्ते वर्ल्ड के अज समर्थन मिल रहा है ना
वह साड़ी शांति से मिल रही है। अज पूरा वर्ल्ड साढ़े नाल खड़ा है, सहमत खड़ा है, हर वर्ग साढ़े नाल खड़ा है। अगर असी इनू होर तिखा करते करते कोई होर मतलब एक्शन गलत पासे लै गए तक तो असी लोगों की जी सा हमदर्दी है वह ना गुआ गुआ बैठिए। इस गल बनी ध्यान रख के असी इनू हजे फिलहाल शांतमई चलाने की यत्न कर रहे हैं जी। बिल्कुल, एक पासे शहीदी दिहाड़े चल रहे, एक पासे किसानी अंदोलन चल रहा है। शहीदी दिहाड़ियां दे विच किसानी अंदोलन ते इत्थे भी लोग ओहाई पोह माघ दीआं रातां दे विच ठंड दे विच बैठे ने, रातां गुजार रहे ने ते किसानी अंदोलन बड़ा शांतमई चल रहा है। कई गल्लां दी जिहड़ी जानकारी आ उह सानूं किसान आगूआं ने दित्ती है ते जिहड़ी भी पल पल दी जिहड़ी खबर इत्थों दी हुंदी है साडी कोशिश हुंदी है कि तुसीं देशां विदेशां दे विच बैठे हो तुहाडे तक जिहड़ी उह रखी जावे ते हर पल पल दी खबर जिहड़ी उह तुहानूं दिंदे रहांगे। अकाल चैनल नूं सबसक्राइब करो, नवीं वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन दे लई बैल आइकन नूं क्लिक करना ना भुलना।